इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। साथ ही वहीं से एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर के मेडिकल कॉलेजों को भी उन्होंने डिजिटल माध्यम से लोकार्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को दूरदर्शी नेतृत्व मिला है। योगी ने दावा किया कि आज दिमागी बुखार से होने वाली मौत में 95% तक नियंत्रण किया जा चुका है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज यूपी के दौरे पर हैं, ऐसे में वो सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां पर 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात उन्होंने पूरे प्रदेश को दी है। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर गए गृह मंत्री आज अपने दौरे के अंतिम दिन श्रीनगर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने लोकप्रिय खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने माता की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। आपको बता दें, आज वो श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। रविवार को शाह ने जम्मू का दौरा किया था, वो मकवाल बॉर्डर पहुंचे थे। वहां पर लोगों और सैनिकों से उन्होंने बातचीत की थी। उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। तो ऐसे में अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में समय हैं। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है, जहां पर वो आज सुबह की भवानी मंदिर भी पहुँचे। वहाँ पर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और माता की आरती भी की।